आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। यहाँ का फेवरेट अजय। मैं जानता हूं कि क्रिप्टन इतनी कीमती चीज है कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि अगर हमें क्रिप्टन नहीं मिला तो तुम विकास और आयशा की लाश भी नहीं देख पाओ। दोस्तों, आज जिस एक्टर की मैं बात कर रहा हूं वो एक्टर बनने से पहले एक स्टेट और नेशनल लेवल के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने कई चैंपियनशिप्स में पार्ट लिया और जीते भी। उन्हें लगता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे कामयाब विलन बन सकते हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल की लेकिन उन्हें मेन विलन का रोल कभी नहीं मिला और आखिरी दम तक वो मेन विलन के सबॉर्डिनेट बने रहे। और वो थे स्मार्ट और फिट गैविन पैकर्ड। यस सर, मैं रिसर्च सेंटर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। क्रिप्टन और बम बनाने का फार्मूला दोनों रिसर्च सेंटर में है। सर, रिसर्च सेंटर का नक्शा तो मैं आपको बना दूंगा, लेकिन सर वहां पे 24 घंटे बहुत सख्त पहरा रहता है। हमने उसे बहुत मारा सर, लेकिन वो जुबान नहीं खोल रहे सर। तो मार डालो उसे, ये लो। June 8, 1964 में गैविन पैदा हुए थे मुंबई में। उनके फादर आयरिश थे और एक कंप्यूटर इंजीनियर भी, और उनका नाम था अर्ल पैकर्ड। गैविन की मदर का नाम था बाबरा और वो एक कोंकणी महाराष्ट्रियन थी। गैविन के 4 भाई बहन हैं और गैविन उन सबसे बड़े थे। गैविन ने अपनी एडुकेशन कंप्लीट की मुंबई में और बहुत यंग एज में उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ और उन्होंने अपनी बॉडी बिल्ड कर ली। कई चैंपियनशिप्स में पार्ट लिया और खिताब जीते भी। गैविन के दोस्तों ने कहा कि गैविन भाई, तुम्हारी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतनी अच्छी बॉडी है, तुम इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, तुम फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते हो। बस ये बात गैविन को जम गई और उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दी। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने गैविन से झूठे वादे तो बहुत किए रोल देने के लिए, लेकिन कभी कोई रोल नहीं दिया। लेकिन 1980 में गैविन को उजाले की किरण नजर आई जब एक मलयालम फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया। इस फिल्म के बाद गैविन ने कई मलयालम फिल्मों में काम किया। उसमें से एक फिल्म थी आर्यन, जिसके डायरेक्टर थे प्रियदर्शन, हीरो थे मोहनलाल, और उसमें गैविन का बहुत दमदार रोल था मार्टिन का, और यह फिल्म आई थी 1988 में। अजाने में साले बुढ़े, तूने मुझसे झूठ कहा, ये मुसलमान है। भाई साहब मुझे माफ कर दो। मार्टिन किसी को माफ नहीं करता, कभी नहीं। तूने मुझसे झूठ कहा, इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। अगर कल तक तूने मुझे 500 रुपए नहीं पहुंचाए तो मैं तुम्हारा इस गली में जीना मुश्किल कर दूंगा, समझे। इस फिल्म के बाद गैविन की एक और फिल्म आई जिसका नाम था सीजन, और बकौल गैविन के सीजन में उनकी लाइफ का बेस्ट रोल था फेबियन का। एट्टम आसम करेंगे ले, हाउ डू यू सर्वाइव विदाउट लर्निंग द लैंग्वेज, हाउ कुड यू नो दैट आई वाज हियर हियर इन द मैन्युफैक्चरिंग। आई नो, सो एने काना तने नी वणो। साउथ की फिल्में करने के बाद गैविन को इंतजार था एक अच्छी हिंदी फिल्म का, और ये इंतजार पूरा हुआ 1991 में जब महेश भट्ट ने अपनी फिल्म सड़क के लिए गैविन को साइन कर लिया। फिल्म के हीरो थे संजय दत्त, हीरोइन थी पूजा भट्ट, और उसमें मेन विलन सदाशिव अमरापुरकर के बॉडीगार्ड का रोल था।
केविन पैकर्ड का। ए हीरो, निकाल इसे बाहर, चल जल्दी। चल। जल्दी निकाल। निकाल। ए, फिर देख रहा वहाँ पे? हाँ? ए, फिर देख रहा वहाँ पे? नहीं नहीं, मारने का नहीं, मारने का नहीं। सड़क फिल्म के बाद गैविन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई संजय दत्त के साथ और वो संजय दत्त को बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन करने लगे और उनके पर्सनल ट्रेनर बन गए और साथ ही साथ सलमान खान और सुनील शेट्टी को भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग सिखाई। दोस्तों, आज तो हर एक्टर के सिक्स पैक ऐब होते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि गैविन वो पहले एक्टर थे जिनके सिक्स पैक ऐब थे। सड़क के बाद गैविन ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। वो कहते थे कि मेरी इतनी अच्छी पर्सनालिटी भी मेरे काम नहीं आई, लेकिन मैंने छोटे रोल किए रोजी रोटी के लिए। और वो फिल्में थी तड़ी पार, क्रांति, करण अर्जुन और आंखें। वो पुलिस कमिश्नर की बेटी है तो अपन भी तो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। कोई भी पुलिस वाला अपने कॉलेज में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अपने एक इशारे पे स्टूडेंट पूरी सिटी में आग लगा देंगे। आग। तू पहला पुलिस वाला है जिसने सौदागर के इलाके में आकर सौदागर को ललकारा है, और वो भी अकेले। दोस्तों, गैविन की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरोज के साथ दोस्ती थी, लेकिन किसी ने भी गैविन को अच्छा रोल नहीं दिलवाया। वो अपने करियर से मायूस हो गए, डिप्रेस हो गए और शराब का सहारा ले लिया। दोस्तों, मुझे एक शेर याद आ गया, मैखाने में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैखाने में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैखाना तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। गैविन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, उनका घर टूट गया, उनकी बीवी एवरल, दो छोटी छोटी बेटियों यानी के एरिका पैकर्ड और कैमिली पैकर्ड को लेके गैविन से अलग हो गई और गैविन अपने छोटे भाई डैरिल के साथ मुंबई में रहने लगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2010 में गैविन का एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट, जिसमें वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे और बेडरिडन हो गए थे और फिर काम नहीं कर पाए। आखिरी दिनों में गैविन की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया था और 18 मई 2012 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए, सिर्फ 47 की एज में। ये बताते हुए बहुत दुख होता है कि उनके फिल्म इंडस्ट्री के दोस्त जो बड़े बड़े हीरोज थे, गैविन के लास्ट राइट्स में, फ्यूनरल में कोई भी शामिल नहीं हुआ। गैविन की बेटी एरिका पैकर्ड आज एक सुपर मॉडल हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कहती हैं, आज अगर मेरे डैड जिंदा होते तो मेरी कामयाबी देखकर बहुत खुश होते। एरिका, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।